औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अज़ीज़ान, जैसा कि आप सब लोग आगाह हैं, आजकल जो फितना उठ रहा है बनी उमैया के झूठे दिफा पर, और नासिबियों की तरफ से बाकायदा बनी उमैया को बचाने की काफ़ी साजिशें की जा रही हैं, उस लिहाज से मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि अब ऐसे लोगों के साथ भी ये मामला पेश किए जा रहे हैं जो कि जैद असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। खैर, वो नवासिब की एक जहालत है। मैं फ़िलहाल उस मौजू पर बोलना नहीं चाह रहा, चूँकि आज का मौजू आप जानते हैं, हज़रत माओली के अश्तर सलामुल्लाह अलैह, मौला अली के ख़ास सहाबी। मालिक अश्तर के मौजू पर जाने से पहले मैं सिर्फ एक किताब, आप सब शिया सुन्नी भाई जितने भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, सिर्फ एक किताब आपको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, तो ताकि दौरे हाजिर का ये जो फितना है ये दब जाए, और जिन लोगों को अपने इल्म पे बड़ा घमंड है और सनत व मतन के लिहाज से इधर उधर की बातें करके अवाम को गुमराह करते हैं, ख़ास करके नवासिब, उन्हें भी ज़रा ठंड पड़ जाए इस मामले में। मेरे हाथ में किताब मौजूद है अल्लामा क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की, अल अहादीसुल मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। ये किताब अज़ीज़ान मकतबतुल इल्म से छपी है, मकतबा बाबुल इल्म से। मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा, जितने भी शिया सुन्नी भाई मुझे सुन रहे हैं, अल अहादीसुल मौदूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, मुआविया के फ़ज़ाइल में घड़ी हुई जाली अहादीस का मजमू है। इस किताब को लाजमी पढ़ें, और जितने भी रिवायात बनी उमैया बिलखसूस हाकिम शाम के लिहाज से बयान की गई हैं, उस पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आया वो सही भी हैं या फ़कत किताब में नकल की गई हैं। खैर, चलते हैं आज के मौजू की तरफ, ये मौलवी साहब की फालतू बातों की तरफ, और ये देखते हैं इन्होंने कितना बड़ा तीर मारा है जी अपनी वीडियोज़ में मालिक अश्तर के लिहाज से। जख्मी कर रहे हैं सैयदना हसन बिन अली और सैयद अब्दुल्ला बिन जुबैर को, जो शहीद कर रहे हैं सैयदना उस्मान को, उनको उस जालिम और खारजी और बागी मालिक अश्तर को तशबीह दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि आपके भी खिलाफ, और आपके खिलाफ तो जालिमों ने, काफिरों ने, मुनाफिकों ने किताबें लिखी हैं, जबकि ये जो मैंने जिक्र किया है, खुदा का खौफ शर्म नहीं आती आपको? इतने बेशर्म हो गए हैं आप लोग कि उम्महातुल मोमिनीन के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह नबी के खिलाफ लोगों ने किताबें लिखी हैं या बोला है, इसी तरह मालिक अश्तर के बारे में उम्महातुल मोमिनीन ने बोला है। अली रजी अल्लाह अन्हु के बारे में ये बातें कर रहे हैं आप कि जिस तरह नबी के खिलाफ लोगों ने बातें की हैं, इस तरह मालिक अश्तर के खिलाफ अली रजी अल्लाह अन्हु ने बात की। अज़ीज़ान, आप लोग माइंड ना करें तो मैं एक मुहावरा बोलना चाहूँगा, इसे कहते हैं यखनी से ज़्यादा गरम देगचा। अच्छा जी, मालिक अश्तर सलामुल्लाह अलैह पे क्या क्या तोहमतें लगा रहे हैं जी? वो माज़ अल्लाह इमाम हसन मुश्तबा को ज़ख्मी किया, अलऔज़ु बिल्लाह, बाकी हज़रत उस्मान को कत्ल किया, मौला अली ने मालिक अश्तर के ख़िलाफ़ बातें की हैं, और ये है और वो है, ये पता नहीं ख्वाब शायद मिर्ज़ा अली इंजीनियर को जवाब दे रहे हैं या कौन है। अज़ीज़ान, इस बंदे की ये तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो है, आप इसकी पूरी वीडियो देख लें, इस शख्स ने एक भी शिया किताब का हवाला नहीं दिया। भाई, आपको इतना नहीं पता मौलवी या भाभी साहब के जब किसी को जवाब देते हैं तो उसके घर की किताब से दिया जाता है, आपने किसी एक शिया किताब को छेड़ने तक की यहाँ पे माशाल्लाह ज़हमत नहीं फरमाई, और फिर कहते नहीं हमने सब कुछ साबित कर दिया, हमने ये तो हमने वो तो सही सनद तो ये वो, क्या ड्रामेबाजी है, क्या झूठ बोले जा रहे हैं, अजीब बातें मौला अली ने मुखालफत की। मैं आज कोई नहजुल बलागा से मालिक अश्तर के फजाइल नहीं पढ़ने आया, ना ही बरेलवी देवबंदी या शिया मसलक की एक भी किताब दिखाऊंगा जनाब वाला, सारी अजब मैं वाबी किताबें ही दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आपको एतराज करने का कोई भी चांस ना मिले, नो चांस एट ऑल। पहले तो ये हजरत की जरा हम इल्मी हैसियत आपको बता दें, ताकि जो लोग इनके पीछे आगे लगे और ये खुद भी करते हैं हमारे चैनल की वजह से, वो लोग हिदायत याफ्ता हुए हैं जी, बहुत सारे लोगों को हिदायत मिल गई है, वो आपके पास खुद का हिदायत है जो दूसरों को देंगे हजरत। अजीजान, ये जो तस्वीर आप हजरत की देख रहे हैं, इनके साथ इनके उस्ताद बैठे हुए हैं जी, गुलाम मुस्तफ़ा जहीर साहब, और ये गुलाम मुस्तफ़ा जहीर
गालिबन 2009 से 10 के दरमियान डॉक्टर तालिबुर रहमान साहब के साथ एक मुनाजरे में गए थे, और इसमें बरेलवियों और वहाबियों के दरमियान एक मुनाजरा हुआ था। टॉपिक था गुस्ताख कौन, जैसा कि ये थंबनेल आपको मजीद नजर आ रहा है इस वक्त। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को बरेलवी मकतब की तरफ से जो मुनाजिर थे, हनीफ कुरैशी, इन लोगों को बिल्कुल क्लीन बोर्ड शिकस्त हुई है हनीफ कुरैशी की तरफ से। हनीफ कुरैशी ने तो खैर इन्हें बोलने ही नहीं दिया मुनाजरे में, मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने बिल्कुल क्लीन बोल्ड किया है इन्हें मुनाजरे में। तो अजीजान, ये इन बेचारों की हैसियत है, ये इनकी इल्मी औकात है, ये खुद अहले सुन्नत उलमा से हार चुके होते हैं, और जब इनके पास कोई हरबा बाकी नहीं होता तब हम शियों को भी अपने घर की किताबें दिखा के फजूल किस्म की बकवासात कर रहे होते हैं। व्हाट द हेल इज दिस? नहीं, मैं आपको अब शिया किताबें उठा के अगर आपके सारे जो मुकद्दसात सो कॉल्ड हैं आपकी, उनके खिलाफ अगर रिवायात दिखाऊं, फिर आपको गुस्सा आएगा कि जनाब आप अपनी किताबें दिखा के हमें कायल कर रहे हैं, हम तो इन्हें मानते ही नहीं हैं। तो जनाब, जब आप अपनी किताबों से फजूल किस्म की बकवासात ला के हमारे सामने रख रहे हैं, हम क्या करें उन सारे हवाला जात का? एक शिया हवाला नहीं दिया, और बातें देखने की कि मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया। और एक और बात की थी, वो जब मेरे ख्याल मिर्जा अली इंजीनियर ने कहा था कि मालिक इस्तर के खिलाफ लोग गलत कमेंट्स करते हैं, रसूल खुदा के खिलाफ भी लोगों ने किया था, तो उल्टा उम्महातुल मोमिनीन और मौला अली सलावतुल्लाह अलैह पे चल पड़े हजरत। उम्महातुल मोमिनीन ने भी मालिक अस्तर की मुखालफत की, और मौला अली ने भी दलील किस शिया किताब से दी है? टका बराबर नहीं। और फिर उस बेचारे को डांटना शुरू कर दिया कि आपको शर्म नहीं आती, आप इतने बेगैरत हैं, हम आपको कह रहे हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुफार बोला करते थे, यहाँ उम्महातुल मोमिनीन की बात है, मौला अली की बात है, ये है वो है। क्या ड्रामेबाजी है! वल्ला बखुदा हैरत है अजीजान के कैसे कैसे जाहिल आके इल्म का दावा कर बैठते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज डैम शॉक्ड जब मैंने इसकी पूरी वीडियो देखी। एक शिया हवाला नहीं, और बातें देख लेनी, मैंने ये कर दिया तो मैंने वो कर दिया। वो तो हम इस वीडियो के अगले इसी आने वाले सेशन में ही बताएंगे कि आपकी किताबों में मालिक अश्तर नखई के बारे में क्या लिखा हुआ है, और सारा मामला किस तरह फिट इन होता है। पहले तो चलते हैं इनके एक इल्ज़ामी एतराज़ की तरफ, जो उन्होंने स्टार्ट में किए और एक आध और कमेंट साथ जोड़ने की कोशिश किए हैं, वो भी देख लेते हैं, और फिर आया ये देख लेंगे कि इनके अकाबिर उलमा ने क्या लिखा है, और फिर एक आध सवाल भी इनसे करने हैं हमें। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह के कत्ल की तो आपके पास सीसीटीवी वीडियो है ना, राफजियों का प्रोपेगंडा जो है उसको उछालते हैं, और ये जो जिसके बारे में सही सनद पेश कर दी उसका अपना एतराफ, ये उसका अपना एतराफ है। याद रखें, सीसीटीवी फुटेज को भी गैर मशरूत तौर पर कबूल नहीं किया जाता, एविडेंस नहीं बनाया जाता कत्ल का, इमदादी तौर पर यानी उससे तामुन लिया जाता है, फेक भी हो सकती है, उसको जज भी किया जा सकता है, परखा भी जा सकता है, लेकिन एक बंदा खुद इकरार कर रहा है कि हमने कत्ल किया है तो उसके लिए किसी और एविडेंस की जरूरत नहीं, उन पर फाइल लगने वास्ते यही काफी। अजीजान, आपने सुना, लिटरली टू बी ऑनेस्ट, अगर ये बंदा अपने जुमलों से अभी रुजू नहीं करेगा तो ये बहुत बुरा फंस जाएगा, सारी जिंदगी ये बनी उमैया का कभी दिफा नहीं कर सकेगा, बिलखसूस जो सरपरस्ते आला शख्सियत है बनी उमैया को परवान चढ़ाने के लिए, जिसने दारो मदार रखा था सारी हुकूमत का, उस लिहाज से डेफिनेटली ये ठुकेगा। पहली बात, क्या जी आपके पास क्या सुल्तान करबला की शहादत की या मौला हुसैन के कत्ल की कोई सीसीटीवी फुटेज आ गई है, ये है वो है? तो फिर सुभान अल्लाह, सीसीटीवी को भी एज एविडेंस तब तक कबूल नहीं किया जाता जब तक वो गैर मशरूत हो, उसे सिर्फ इमदाद ली जाती है, ये है वो है, और इधर उधर की बातें मारने की कोशिश की है। और एक बंदा जब एतराफ कर रहा है कि जी मैंने हजरत उस्मान को कत्ल किया है, तो फाहे लगन वास्ते यह काफी है जनाब, साहबी बचावेंगे तो भाभी फाहे लावेंगे, बेफिक्र रहो, अभी भी फाइल लांच एक्सपर्ट है गए, बेफिक्र रहो। पहली बात तो ये है कि सीसीटीवी फुटेज आया है या नहीं है, तो फिर मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास हजरत उस्मान के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज है? क्या आपके पास जनाब जहरा सलावतुल्लाह अलैहा की शहादत की इस तरह फुटेज है? क्या आप दिफा करने पर उतर आते हैं?
ठीक है। दूसरी बात, यजीद को जो खींच तान के उसका दिफा करने की आप कोशिश कर रहे हैं कि जी किसी के पास मौला हुसैन के कत्ल की वीडियो है, लिहाजा यजीद बरी जिम्मा, ये है वो है। क्या आपके पास दरबारे यजीद की सीसीटीवी फुटेज है जो आप यजीद को इतना बचाने की कोशिश कर रहे हैं हजरत उस्मान के कत्ल की आड़ में? एक और पॉइंट, ये आपके वाबी मौलवी हैं जी, अब्दुल्ला दानिश हाफिज़ाहुल्ला हैं आपके, उनकी ये किताब मेरे पास मौजूद है जी, अल आसिम इस्लामिक बुक्स लाहौर पाकिस्तान से छपी, शरा अरबईन इमाम हुसैन, ये सुल्तान करबला पे उन्होंने किताब लिखी है। मैं सिर्फ किताब आपको अजीजान दिखा रहा हूँ। इस किताब में सही और हसन दर्जे की रिवायात के साथ ये बात बिल्कुल साबित है कि यजीद लानती ही मौला हुसैन का कातिल है। हुक्म भी इसने दिया और सुल्तान करबला का सर भी इसके पास शाम आया जिसकी अहानत इसने की। खैर, फिर अल्लाह ने इसे अपने अजाब से दो चार किया। इस यजीद बेगैरत और मलऊन का तो वो तो बंदा इस काबिल ही नहीं कि उसका जिक्र किया जाए, उसे तो जूते की नोक पे रख के फेंक देना चाहिए। यजीद तो इस काबिल नहीं उसका जिक्र किया जाए, दफा मारे उसको। जी जनाब, एक तो आपकी किताबों से जो आप कहते हैं सही सनद हसन सनद, वो दोनों इसनाद के साथ रिवायात मौजूद हैं, बड़े बड़े आपके अकाबिर वहाबी उलमा की इसमें सारी रिवायात मौजूद हैं, सारी सनद भी जिक्र की गई है, बाकी सारे मामला भी हैं, उनकी वसाकत भी दी गई है। तो यजीद तो यहाँ फेल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बातें एक तरफ, हजरत ने कहा है हजरत उस्मान को कत्ल करने का उसे एतराफ, चलो बफर्ज मुहाल मालिक अस्तर सलामुल्लाह अलैह ने कर लिया एतराफ, हम मानते हैं मौलवी अय्यूब साहब, इतनी हम आपको छूट देते हैं, गुंजाइश दे देते हैं, कर लिया एतराफ, तो इससे क्या साबित होता है? फांसी फाहे लाओगे? मौलवी अय्यूब साहब वल्ला बा खुदा, ये जुमला आपको इतना भारी पड़ने वाला है कि आपके तसव्वुर से मावरा है। अगर तो सहाबी को कत्ल करना फांसी लगना है तो अम्मारे यासिर के कातिल को क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, जिसका कताल बाकायदा बुखारी और मुस्लिम से साबित है, छोटी किताबों से नहीं, बुखारी। अगर सहाबी के कत्ल करने पे आप कातिल को फांसी देते हैं, अब मारे यासिर के कातिल को क्यों बचा रहे हैं फिर आजकल? फ़ैअतल बागिया, रसूल खुदा ने फरमाया था बागी जमात है, जहन्नुम की तरफ बुलाएंगे, उसे क्यों बचाते हैं? जनाब मौलवी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी चोरी पकड़ी गई है। अगर तो सहाबी का कातिल फांसी देने के इस्तेहकाक पे है, उसे फांसी दी जाएगी, वो फांसी का मुस्तहिक है, अब हमारे यासिर के कातिल का भी दिफा छोड़ दें फिर, ठीक है जी? वो कैसे छोड़ेंगे? उनका दिफा छोड़ दिया जाए तो रियाल कहां से मंगवाए जाएं? मैं मजबूरी समझता हूं, चले कोई बात नहीं, बहरहाल इस बात का मुझे जवाब चाहिए। अजीजान, अब मालिक अश्तर सलामुल्लाह अलैह के लिहाज से जो अकली बातें इन्होंने की थी, कोई शिया किताब का हवाला नहीं दिया था, वो हमने आपके सामने अकली दलाइल से ही रद्द कर दी। अब जरा किताबी मामलात पे आया जाए और ये देखा जाए कि इनके अकाबिर उलमा ने मालिक अश्तर के बारे में क्या अपनी किताबों में लिखा है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एंड हम मौला अली के ही फरमान से करेंगे। अजीजान, जरा सा भी वक्त लिए बगैर चलते हैं किताबी दलाइल की तरफ, और जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सारे अकाबरीन ये वहाबियों की पेश करूंगा मैं बरेलवी देवबंदी शिया की तरफ जा ही नहीं रहा, इसी के घर के सारे उलमा पेश करूंगा। सबसे पहले तो चलते हैं अजीजान, सिर्फ मालिक अश्तर ही नहीं, पूरे ग्रोह अमीरुल मोमिनीन को देख लेते हैं कि मोतबर रिवायात वहाबी उलमा की किताबों में मौला अली के ग्रोह की क्या अहमियत है। ये मेरे हाथ में दारुसुन्ना फैसलाबाद से छपी किताब है जी, आपके मौलवी मोहम्मद जाहिद वहाबी साहब की, खिलाफत अली अहदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, ठीक है जी? इस किताब में आपके मौलवी जाहिद वहाबी साहब सफ़ा नंबर 78 पर जो चैप्टर लेके आए हैं, अली का ग्रो हिदायत पर है, मौला अली की बात नहीं हो रही, मौला अली के ग्रो की क्या लिखते हैं? एक तरफ उम्मुल मोमिनीन यानी कि हजरत आयशा और दूसरी तरफ हजरत अली। हमने पूछा ऐसा भी होगा? हजरत हुसैन ने फरमाया हो कर रहेगा। बाज़ हजरात ने अर्ज किया कि हम अगर ऐसा वक्त देखें तो क्या करें? तो फरमाया उस ग्रोह को लाजिम पकड़ना जो अली की तरफ बुलाता हो, इसलिए कि वो हिदायत पर होगा। और ये सब जानते हैं कि जंगे जमल में मालिक अश्तर मौला अली के सिपह सालार थे, ये बच्चा बच्चा जानता है। तो उस ग्रोह की तरफ जाना जो अली की तरफ बुलाता होगा, मौला अली ही नहीं, मौला अली का ग्रोह भी हिदायत याफ्ता है, ठीक है जी? और सबसे ज्यादा तबलीगी जंगे जमल में मालिक अश्तर ने की है। खैर, अब ये एक बात करते हैं, रिवायत आप दिखा देते हैं, इसकी सनद के लिहाज से बात नहीं करते, सनद में भी तबसरा कर देते हैं। कहते हैं इस हदीस को बजार ने अपनी मुसनद में रिवायत की है, हैथमी आपके इमाम हैथमी ने मजमा उज़ज़वाइद। अजीजान, अगला पेज, पेज नंबर 79,
लिखते हैं, मजमा जवाद में बाजार ही के हवाले से जिक्र करने के बाद कहा है, ये जरा गौर करें, रिजाल सिकात, इसके सारे रिजाल सिक्का हैं। ठीक है जी, हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में इस रिवायत को जिक्र किया और इस पर कोई कलाम नहीं किया। हाफिज इब्ने हजर फतहुल बारी में जिस हदीस पर सुकूत इख्तियार करते हैं, जिसके बारे में कुछ बोलते नहीं, वो कम अज कम हसन जरूर होती है, जैसा कि खुद हाफिज ने फतहुल बारी के मुकदमे के बिल्कुल शुरू में तसरीह की है। ठीक है जी, तो सिका रिजाल और कम अज कम हसन दर्जे की रिवायत के साथ आपके मौलवी साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि अली का ग्रोह हिदायत पर है। ये रिवायत जो मौला अली की तरफ जंगे जबल में बुला रहे थे वो सब हिदायत पे थे। क्यों मौलवी साहब? ठीक है जी, हमने आपके सामने सनद भी काबिल कबूल रखी है ताकि कल को आपको जरा करने की तौफीक ही ना हो। ठीक है, जरा करनी है मौलवी जाहिद पे किया। अजीजान, ये तो थी फकत ग्रोह की बात। अब हम आपके सामने एक बड़ी तरखा के इस रिवायत रखना चाह रहे हैं, जरा देखें। ये मेरे हाथ में कतर के मशहूर जमाना वहाबी उलमा में से एक डॉक्टर मोहम्मद अली सलाबी की किताब है, जो कि दारुसलाम से छपी है, जहां से आपकी वहाबियों की किताबें छपती हैं। सैयदना अली इस किताब में सफा नंबर 474 पर लिखते हैं, वरा की तायुनाती, मौला अली ने जो वजीर तैनात किए थे, अमीरुल मोमिनीन अली मालिक अश्तर के नाम लिखे गए खत में फरमाते हैं, ये देखें जरा, पहला वजीर ही मौला अली का मालिक अश्तर था। अजीजान आप देख रहे हैं, पहला वजीर मौला अली का मालिक अश्तर था। जी मौलवी साहब, अब मजीद आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि मौला अली के ग्रोह में होना, वजीर होना एक अलग फजीलत है। मौला अली ने मालिक अश्तर के बारे में कहा क्या था ये भी देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में अजीजान मौजूद है इनके मशहूर जमाना इमाम की तारीख तबरी, आपके इमाम मोहम्मद इब्न जरीर तबरी मुतकद्दिम उलमा में से हैं, जिल्द नंबर 3 हिस्सा दम सफा 188 खिलाफत राशिदा, मौला अली की खिलाफत के बयान में लिखते हैं जी, हजरत अली का खत, यहां से तो बात ही वाजह हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अली ने ज़ियाद शुरय को खत तहरीर फरमाया, ज़ियाद और शुरय दोनों को, मैंने तुम पर मालिक को अमीर मुतय्यन किया है, तुम इसकी बात सुनना और इसकी इताअत करना, बात सुनना और इताअत करना। मौलवी अय्या साहब, आप तो कह रहे थे कि जी मौला अली ने मालिक अश्तर की मुखालिफत की है, मौला अली तो कह रहे हैं मालिक की इताअत करो, झूठ बोला मौला अली की जात पे, शर्म नहीं आती? ये आपके इमाम तबरी लिख रहे हैं, मैंने एक भी शिया बरेलवी या देवबंदी किताब नहीं दिखाई। अब कल को ये कहेंगे जी तबरी का अहले हदीस मसलक में कोई इतना रुझान नहीं है, ये वो बहाने बनाएंगे। ये मेरे हाथ में मौजूद है जी, जुबैर अली जई साहब, आपके उस्ताद गिरामी, उनका फतावे इल्मिया अल मारूफ तौज़ीउल अहकाम मकतबतुल इस्लामिया से छपा है, जिल्द नंबर 2 सफा 423, और वहां यहां लिखते हैं, अबू जाफर तबरी अहले सुन्नत के बड़े इमामों में से थे। तो आपके उस्ताद, जिसे अहले सुन्नत के बड़े इमामों में से तस्लीम कर रहे हैं, वो अपनी तारीख तबरी में लिख रहा है कि मौला अली ने मालिक अश्तर की इताअत का हुक्म दिया था। फैसला अजीजान आप करें, मैं सहाबी को मानूं या वहाबी को मानूं, मैं इनकी मानूं या इनके अकाबरीन की, फैसला आप करें और इसी के साथ हमें इजाजत दें।